यूज ऑफ माइट हैव। देखिए माइट हैव का यूज करेंगे। माइट हैव का यूज कहाँ किया जाता है? जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में शायद आए और लास्ट में चुका होगा आए, चुका होगा या पॉसिबिलिटी है कि कोई काम कर चुका होगा या कर लिया होगा, और इसमें भी माइट में स्टार्टिंग में शायद आए और लास्ट में लिया होगा आए, तो माइट हैव का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि हम इसमें हैव का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि शायद मम्मी खाना बना चुकी होगी, शायद मम्मी खाना बना चुकी होगी। मॉम माइट हैव मेड फूड, शायद मम्मी खाना बना चुकी होगी। शायद राधा रीटा से मिल चुकी होगी, शायद चुकी होगी, या भी शायद मिल चुकी हो, संभावना है, क्या पता नहीं भी मिली हो। ठीक है ना, तो राधा माइट हैव मीट की थर्ड फॉर्म मेट रीटा से मिल चुकी होगी विद रीटा। शायद राधा रीटा से मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वन इज शायद वो पहुंच चुका होगा, शायद वो पहुंच चुका होगा, चुका होगा। कोई लड़का है तो ही माइट हैव रीच्ड थर्ड फॉर्म रीच्ड ही माइट हैव रीच्ड शायद उसने मुझे देख लिया होगा, शायद लिया होगा। ठीक है, ही माइट हैव सीन मी ही माइट हैव सीन मी शायद उसने मुझे देख लिया होगा। शायद बच्चा उठ चुका होगा। केट बच्चा, पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट किड बच्चा, उठ चुका शायद है, चुका होगा। माइट हैव वॉकन अप वेक वॉक वॉकन अप। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस है माइट हैव के सेंटेंसेस, माइट हैव जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में शायद आए और लास्ट में चुका होगा, शायद आए लास्ट में लिया होगा, या फिर इसमें जो माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ये है यूज ऑफ माइट हैव। थैंक यू।